दोस्तों आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ दोस्तों। हमेशा कहता हूँ मैं भी ठीक हूँ, आज मैं ठीक नहीं हूँ। कोई भी इंसान ऐसा वीडियो देखे सोशल मीडिया पर, ऐसे खबर सुने, तो उसका तबीयत कैसे ठीक होगा, उसका खाना पीना कैसा ठीक होगा, उसका नींद कैसा अच्छा होगा। सच्चा इंसान है, उसके आंखों में ये सब वीडियो जब आए देखे तो उसका दिल में अफसोस पैदा होगा। और वो जो हादसा करने वाला लोग हो, मुसलमान हो या हिंदू हो, उनका ऊपर उनका लानत ही भेजेगा, उनका ऊपर बद्दुआ दिएगा, क्योंकि ये सब कोई धर्म नहीं सिखाता है। हम सभी को पता है हर कोई धर्म ने सिखाया इंसानियत। लोगों को अगर परेशानी में कोई लोग है उसको परेशानी में बचाने का सुझाव देता है, सामने जाके एहसान करने का तरीका सिखाता है हर कोई धर्म में। जय श्री राम के जो नारा है वो जय श्री राम का आदर्श क्या था। सच्चा कोई हिंदू नहीं है, उनका ऊपर उनका दिल में अगर इंसानियत नहीं है, वो कभी सच्चा हिंदू नहीं बन सकता, सच्चा सनातनी धर्म की लोग नहीं बन सकते। और सच्चा कोई मुसलमान नहीं है जिसका दिल में इंसानियत नहीं है, जिसका दिल में दर्द नहीं है, दूसरों का दर्द नहीं है, वो सच्चा मुसलमान। किताब में वही कहता है दूसरा धर्म के लोगों को सम्मान करो, दूसरों को इज्जत करो। कुरान पे भी लिखा है अगर आपने किसी दूसरा धर्म का धर्म गुरु को गालू दोगे, बुरा वाला कहोगे, तो उनका जो धर्म वाला लोग है उन्होंने तुम्हारा हजरत मोहम्मद, हमारा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देगा और हमारे अल्लाह को भी गाली देगा। इसलिए माना किया गया है दूसरा धर्म का किसी को गाली मत दो। लेकिन आज क्या हो रहा है त्रिपुरा में, क्या हो रहा है आज? ऐसा ऐसा नारा लगाया जा रहा है जो नारा यहाँ बोलने का और दिखाने का मेरा दिल नहीं चाह रहा है। नाउजुबिल्ला बोला जा रहा है मोहम्मद की तेरे बाप के नाम, या क्या बताऊं भाई। देखो कितना नफरती काम फैला रहा है। अगर गूगल में बताया जाए सो दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, तो मोहम्मद की नाम आएगा, मोहम्मद का बाप का नाम नहीं आ रहा है आज के जमाने में। और क्या एग्जाम्पल दूं? मस्जिद तोड़ा जा रहा है, मस्जिद किसी का धर्म उपासना स्थल है, मंदिर किसी का उपासना स्थल है। हर कोई धर्म ने बोलता है, सिखाता है, कोई ना कोई एक है जो ये दुनिया को बनाने वाला, ये दुनिया को बनाने वाला को अगर कोई मस्जिद में जाके पूजा करे, पूजा ही सोच लो या उपासना सोच लो, हम लोग नमाज कहता हूँ, और आप लोग जाके मंदिर में जाके जो पूजा करते हो, यहाँ मंदिर में जाके जिन लोग तोड़ फोड़ किया उसका ऊपर भी हम लोग बात किया। मैं एक असम में वीडियो बनाया, बांग्लादेश का जो शुरुआत हुआ था, बांग्लादेश से वहीं से शुरुआत हुआ, तब भी मैं जो मौलवादी कट्टरपंथी मुसलमानों का ऊपर मैं वीडियो बनाया था। अभी ये कोई नहीं है जो असली कोई मुसलमान को नहीं सिखाया जाता, जो तुम दूसरा धर्म को गाली दो, दूसरा धर्म का मंदिर पे या कुछ सामान को आक्रमण करो, ये नहीं सिखाता है। इसलिए दोस्तों मैं क्या बोलूं, मैं आज कुछ दिनों से देख रहा हूँ, वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, क्यों? हम लोग छोटा आदमी है, हमारा वीडियो कोई देखता नहीं है, सुनता नहीं है, आगे भी शेयर भी नहीं करता है, चलता भी नहीं है, कौन सुनेगा। लेकिन फर्ज बनता है कुछ बात करने का, वही के लिए मैं ये वीडियो शेयर किया। त्रिपुरा जो मुख्यमंत्री है बिप्लब देव, वो संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि वहाँ का पुलिस प्रशासन का भी वीडियो आया, उन लोग जय श्री राम का नारा दे के लोगों को भड़का रहा है, उत्साह रहा है लोगों को। तुरंत ही भारत सरकार उसका ऊपर एक्शन ले, जैसे हिंदुओं ने मुसलमान की घर, मुसलमान की दुकानें, मुसलमान की मस्जिदें तोड़फोड़ कर रहे हैं, ऐसे अगर कहीं गलत ना करे मुसलमान लोग, अगर ऐसे कोई गलती करे तो देश में क्या होगा। हर जगह में शांति है, लेकिन त्रिपुरा से ना जाने कहीं सारा देश में कुछ ना हो। इसीलिए आखिर में सरकार को, भारत सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ, तुरंत ही उसका ऊपर कुछ एक्शन ले और ये जो हादसा अभी तक चल ही रहा है उसको दमन करें। अब सब दुआ करें उन लोग के लिए, दुआ करें, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, दुआ करें और सोशल मीडिया पे उसका प्रतिवाद करें। जय हिंद, जय आया।